साइबर क्राइम की दुनिया में डिजिटल अरेस्ट जो है एक नया आयाम स्थापित कर रहा है, और ये आयाम जो है इस प्रकार है कि लोग चिंता में पड़ चुके हैं, पुलिस जो है चिंता में पड़ चुकी है और लगातार चुनौती बनती जा रही है। चुनौती इस प्रकार की है कि जो व्यक्ति, जो स्कैमर्स हैं, जो इस तरह के कॉल्स कर रहे हैं, वो लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि वो CBI से कॉल कर रहे हैं, वो पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी बन जाते हैं, यहाँ तक कि कस्टम के अधिकारी भी बन जाते हैं, और लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने कुछ इलीगल काम कर लिया है, और इलीगल काम से बचने के लिए अब उन तमाम लोगों को घूस देनी होगी, रिश्वत देनी होगी, ताकि वो बच सके। इस तरह के मामले जो है पूरे देश में काफी ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं, और अभी तक 7 लाख मामले जो है वो रिपोर्ट कर लिए गए हैं, और 7 लाख से ज्यादा जब मामले रिपोर्ट किए जाते हैं तो लोगों को बार बार ये कहा जाता है कि देखिए इनकी जो है वो तकनीक आप समझिए। सबसे पहले एक व्यक्ति को कॉल आता है और कहा जाता है, फर्ज कीजिए कि किसी एक बुजुर्ग को कॉल आता है, उसको कहा जाता है कि आपका जो बेटा है वो हमारी कस्टडी में है, हम इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, या फिर वो कहेंगे आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है, आप यहाँ पर पहुंच जाइए, हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपके बेटे ने कुछ इलीगल काम कर लिया है, हम CBI वाले उसको पकड़ लिया है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे को हम अरेस्ट ना करते हुए उसको छोड़ दें तो आप हमें पैसे दे दीजिए, 10 लाख की मांग, 5 लाख की मांग, 15 लाख की, 20 लाख की, और इस तरह से मांगे जो है बढ़ती है। व्यक्ति काफी ज्यादा डर जाता है आनंद फानंद में, वो कहता है कि देखिए कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप मेरे बच्चे को अरेस्ट मत कीजिए, कोई इस तरह का दाग उस पर नहीं लगना चाहिए। और व्यक्ति जो है उसको अकाउंट नंबर दिया जाता है, पूरी इंफॉर्मेशन उसको शेयर कर देता है, और वो पैसे लेकर व्यक्ति जो है पूरा ऑनलाइन रहता है, कहता है कि जब तक आपके पैसे मेरे पास ट्रांसफर नहीं होंगे आप फोन मत काटिएगा, अगर आप फोन काटेंगे तो आपके बेटे को नुकसान है, इस तरह से कहा जा रहा है। तो वो व्यक्ति ऑनलाइन रहता है, फोन पर रहता है और पैसे भेज देता है। उसके बाद जो है इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और काफी ज्यादा ठगी लोगों के साथ हुई है। सबसे पहले आपको बताते हैं इससे बचना कैसे। अगर ऐसा कोई कॉल आता है, सबसे पहले आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाइए, साइबर सेल जाइए, सबकी जानकारी लीजिए, और साथ ही साथ अपने बेटे को कॉल जरूर कीजिए उस समय कि अगर आप मेरे बेटे को इस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि वाकई आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ या नहीं, या तो ये लोग नकल भी निकाल रहे हैं, आवाज की नकल भी उतार लेते हैं, तो ये जानकारी जरूर रखिए। जिसका भी नाम लिया जाता है पहले उससे टैली कर लीजिए, उससे बातचीत जरूर कीजिए, ताकि आप भी इस तरह की ठगी के शिकार ना हों।